अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तमाम दोस्तों को जिनकी फाइल्स इमिग्रेशन के लिए 2021 में नवंबर के एंड में और दिसंबर में लॉक थी, यहाँ पे अप्लाई की हुई थी इमिग्रेशन मैनिफेस्ट दिन तरादा था उनका, उन तमाम दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपना अपना सापा का पोर्टल ओपन करके चेक कर सकते हैं। तमाम दोस्तों को प्री शेड्यूलिंग जो है वो आना स्टार्ट हो गई आज सुबह से। अभी जो है तकरीबन नवंबर और दिसंबर 2021 जितने भी लोग रहते हैं उनको भी कुछ दिनों में, कल या परसों में, तमाम दोस्तों को प्री शेड्यूलिंग मौसूल हो जाएगा, उस पर आपको शो हो रहा होगा। प्री शेड्यूलिंग है क्या चीज़, मतलब प्री शेड्यूलिंग जिस भाई का शो हो रहा है अपना सापर के पोर्टल पर चेक करें जिनकी फाइल नवंबर और दिसंबर 2021 में लॉक हैं। प्री शेड्यूलिंग यही है कि आपको फर्स्ट मेल मौसूल हो गई है, अब जो है आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल रेडी रखने हैं और कुछ ही दिनों में, विद इन वन वीक या हो सकता है उससे भी जल्दी, आप लोगों को सेकंड मेल भी आ जाए। और मेल आने के बाद आप लोगों के पोर्टल पे सापा के जो आपका अकाउंट है, आपका जो आईडी पासवर्ड है वो ओपन करके आप चेक करेंगे, वहाँ पे आपको सेफ शो होंगी। फिर आपने अपना सेफ पिक करना है बायोमेट्रिक के लिए। तो 2021 फाइनली जो है क्लियर हो गया, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ुशी की बात यह है कि दोस्तों इमिग्रेशन बहुत फास्ट हो गया है। पहले होता था 2 साल का टाइम, मिसाल के तौर पे एक बंदे का फाइल या जिसने भी इमिग्रेशन अप्लाई की है वो मिसाल के तौर पे 22 के अंदर अप्लाई की है जनवरी में, तो उसको थिंकिंग ये होता था कि मेरा 2 साल बाद ठीक 2024 जनवरी के बाद ही नंबर आएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, अब इमिग्रेशन जो है थोड़ा बहुत फास्ट की तरफ जा रही है और आने वाले टाइम में हो सकता है और भी फास्ट हो, और भी सख्तियाँ हों, और भी चेंजेस हों। लेकिन जितने भी दोस्त हैं, आगे अब 2022 की बारी स्टार्ट होगी। मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में आप लोग देखेंगे कि 22 लाजमी स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन भी दोस्तों की जनवरी, फरवरी, मार्च, इन 3-4 महीनों में शुरू में मेल हैं, वो अपना जो है डॉक्यूमेंट तरतीब दे लें, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, क्योंकि बाद में मुश्किल का सामना ना करना पड़े। सबसे मुश्किल चीज़ हमारे पाकिस्तानियों के लिए क्या है, वो है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन, जो कि पुर्तगाल एम्बेसी इस्लामाबाद में जो है वहाँ से होती है। उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को एफर्ट करना पड़ता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते तो वो आप लोगों ने ट्राई करना है। यहाँ से अभी कुछ ही दिनों के अंदर मैं आप लोगों को दिखाना स्टार्ट करूँगा कि मैं भी जो एफर्ट करूँगा, अथॉरिटी लेटर भी बनवाने हैं और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल तरतीब भी देना है, उसके बाद मेल करके मेल भी लेनी है, ये सारी चीज़ें मेरे चैनल पे लाजमी मिलेंगी। क्योंकि अभी ये जो मरहला अभी स्टार्ट होगा इसमें आपका भाई भी शामिल है, ये जो अभी बिल्कुल स्टार्टअप 2022 का होगा। 3 महीने में इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा होगा, सैफ जो है वो 3-3 महीने की मेल भेजती रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च आ गया, फिर अप्रैल, मई, जून आ गया, फिर थोड़ा सा स्लो हुआ और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते नवंबर 2021 जो है, और फिर अब दिसंबर प्री शेड्यूलिंग पे आ गया। तो हो सकता है कि विद इन 1 मंथ 3 महीनों की मेल जो है फिर ओपन हो जाए। तो आप लोग तमाम डॉक्यूमेंट पूरे रखें। किसी को डॉक्यूमेंट के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, क्योंकि इस मरहले में मैं खुद भी शामिल हूँ। जो मुझे क्लियरिटी होगी, बात का पता होगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सेफ चूज़ अच्छी करिएगा ताकि आप लोगों को ईजी हो। कुछ दोस्त लीगल आए थे, डॉक्यूमेंट भी सारे पूरे थे, उन्होंने ऐसी सेफ चूज़ कर ली हैं जो कि 3-3 महीने से उनके कार्ड नहीं आ रहे। तो एक दूसरे से मशवरा लिया करें, और मशवरा लेना भी चाहिए, चीज़ों का पता चलता है, समझ बूझ होती है। फिर अगेन उन तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक। काफ़ी दोस्त बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे थे, दूसरे मुल्कों में बैठे हुए थे, फिर पुर्तगाल का पता चला, फिर पुर्तगाल ने उनको जो है पेपरों की तरफ लगा दिया, और अब जो है फाइनली लोगों की प्री शेड्यूलिंग आ गई है। होप फॉर द बेस्ट, सबके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, इंशाल्लाह ताला आसानी होगी। आप सब दोस्त जिनके भी बायोमेट्रिक होने वाले हैं या हो चुके हैं, सबको जल्द से जल्द कार्ड मिले, जो भी परेशानियाँ सब दूर हों, अपने माँ बाप, बहन भाई, जो भी जिन लोगों से आप लोगों ने मिलने उनसे मिलें, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ टच में होता हूँ जो कि 7-7, 8-8, 10-10 साल से अपनी फैमिलियों से नहीं मिले। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे। बहुत खुशी हुई है, कुछ दोस्त हैं उनको मेल आ गई हैं, कुछ करीबी दोस्त, और फिर अब हमारा नंबर है, इंशाल्लाह अच्छा होगा। डॉक्यूमेंट आने वाली वीडियोस में आप लोगों को मैं बताता जाऊँगा कहाँ जा रहा हूँ, कौन सा डॉक्यूमेंट रेडी कर रहा हूँ, क्या सिस्टम है। तो होपफुली आप लोगों के लिए भी बेस्ट होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।